जो लक्षित जी को घमंड है कि हम बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी, इतने प्लेयर, इतना बड़ा पूल, क्या मतलब, वाओ, क्या बट एनी प्लेयर्स लुकिंग लाइक अ वाओ, व्हाट इज दिस, हाउ, व्हाट एलिगेंट परफॉर्मेंस, लुकिंग लाइक अ वाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्राइस कैन नॉट बाय टैलेंट बट पाकिस्तान हैव टैलेंट, ऐसा टैलेंट जो इंटरनेशनल लेवल पर हमें गर्व महसूस करवाता है। हर विक्ट्री के पीछे होता है एक प्रॉपर प्लान, एक टीम वर्क, ये अंडर 19 टीम वालों ने हमें दिखाया है। मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि मैंने अंडर 19 प्लेयर इसलिए सिलेक्ट किए कि कोई भी बड़ा प्लेयर यहाँ पर आकर काम नहीं करना चाहता, ग्रास रूट लेवल पर काम कोई भी करना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर पैसे ही बहुत कम दिए जाते हैं, प्लेयर के हिसाब से पैसे दिए ही नहीं जाते। लेकिन ये काम मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, ये मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। पता होगा बोर्ड में किसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, मेरे साथ अभी तक इस तरह की बात नहीं हुई, और लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि हम भी वैसी मेहनत करें और वैसी लड़कों को तैयार करें जैसे राहुल ड्राविड। देखिए इसीलिए मैं, देखो मैं टीवी पे जब बात करता था ये बात मैं जरूर करता था कि हमारे बड़े प्लेयर इसीलिए नीचे नहीं आते कि ये वैसे डील नहीं करते प्लेयर्स को, प्लेयर्स की जो स्टेटस है ना उसके मुताबिक डील करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम देखा, ये चैलेंज है। यहाँ आप मुझे बताएं आज तक कोई आया अंडर 19, हमारा कोई बड़ा प्लेयर नहीं आया, मैं क्यों आया हूँ? पैसा जो मकसद नहीं होता, पैसा जरूरत होती। यहाँ तो आप किसी और को नहीं दे रहे तो हमें भी ना दे, कोई मसला नहीं, सबको दे रहे तो हमें भी देने चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं। कम है आपके पैसे जो मैंने था इसके करीब करीब ये तो बहुत कम है, ये जो आप बात कर रहे हैं मिकी के 30 है, राहुल ड्राइवर 10 करोड़ ले गया है, हमें तो नहीं दे रहे इतने। इस जीत से पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने ये बताया है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है, बस थोड़ा चमकाने की जरूरत है, पहचान करने की जरूरत है। हर विक्ट्री एक नई कहानी से शुरू होती है और इस कहानी का रंग ये अंडर 19 प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर जो ब्राइट नजर आ रहा है। पैसा तो हर टीम के पास हो सकता है लेकिन जीत का जुनून और रॉ टैलेंट ये है कि हमारे यंग प्लेयर्स का मैजिक पोशन। दोस्तों मुझे लगता है इंडिया ने मैच हारने का डे संडे को डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि हर हफ्ते का ड्रामा एक ही दिन नजर आता है। इंडिया वालों आप संडे को मैच मत खेला करो क्योंकि हार ही नसीब होती है। मुझे लगता है एशिया कप में अगर इंडिया पाकिस्तान का संडे को मैच आया तो पिच की तरह संडे को ही बदल दिया जाएगा। वन एपिसोड अ वीक बट लॉट्स ऑफ पीपल एंटरटेन ओनली ऑन संडे बट बिग शो ऑफ मंडे। मतलब कि हमारे लोगों को हमको क्रिटिसाइज करने का राइट है कि हम तो भैया अरबपति, इनको क्या मिल रहा बेचारों को? सुबह भागने के बाद एक केला, एक ग्लास दूध, छुआरे, कुछ भी नहीं, उसी के कर रहे गुजारे, उसके बिना तो इनको कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी मैच जिता रहे हैं। हमारे यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए मिल रहा है, सोने की थालियों में खाना परोसा जा रहा है, चांदी के ग्लासों में पानी पीने, वहाँ पे दूसरी टीम जाके पानी पिला के जा रही है आपको। फाइनल हार रहे हैं, फाइनल आप हार रहे हो, इमर्जिंग एशिया कप में आप हार रहे हो पाकिस्तान से, आपका वो जो हुआ अभी जो हुआ ये अंडर 19 एशिया कप, यहाँ पे आप हार गए। माना कि इंडिया के पास पैसा बहुत है लेकिन हमारे प्लेयर जब पिच पर आते हैं उनकी गेम ही अलग होती है, उनकी गेम की अलग ही बात होती है। इस जीत से हमारे यंग प्लेयर ने ये मैसेज दिया है कि टैलेंट असल पावर है जो फील्ड पर ही नजर आता है। पैसा चाहे कितना भी है आपके पास, अगर टैलेंट नहीं तो कुछ भी नहीं। डियर फ्रेंड, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस संडे? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ओल्ड इज गोल्ड बट यंग प्लेयर हमारे डायमंड है, इनको चमकाने का वक्त आ गया है, थोड़ा शाइन करने का वक्त आ गया है, इनको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। इन अंडर 19 प्लेयर्स ने जीत से क्या खूब जवाब दिया है पीसीबी को कि हमारी तरफ देखो, इन बुजुर्ग खिलाड़ियों की जान छोड़ दो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से देखकर लगता है कि हमारे फ्यूचर स्टार्स तैयार हैं, बस इनको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। मैच की स्टेटस की बात करें तो इंडिया ने टोटल रन बनाए थे 259 9 विकेट के नुकसान पर, पाकिस्तान ने ये 3 ओवर पहले ही टारगेट पूरा कर लिया था। अजान अवैस ने क्या कमाल की बैटिंग की, 105 रन बनाए जस्ट 130 गेंदों पर, उसका साथ दिया कैप्टन साद बेग ने 68-51 बॉल्स पर, शाजिब खान ने 63। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद जिशान ने 4 विकेटें हासिल की, आमिर हसन और उबैद शाह ने 2-2 और अराफात ने 1।